साथियों, हमारा पूरा प्रयास है कि समाज या देश का वो हर वर्ग जो खुद को किसी न किसी वजह से उपेक्षित महसूस कर रहा था, उसके पास पहुंचा जाए, उसकी चिंता दूर करने का प्रयास किया जाए। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण का फैसला हो या फिर श्रमिकों के लिए पेंशन की ऐतिहासिक योजना हो, घुमंतू समुदाय के लोगों के लिए वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का फैसला हो या फिर देश के करोड़ों मछुआरों के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाने की बात हो, हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रहे हैं। देश के हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर कोने तक विकास और विश्वास की रोशनी पहुंचाने की हमारी प्राथमिकता ही न्यू इंडिया के नए आत्मविश्वास का कारण बन रही है। इस आत्मविश्वास के बीच मैं आपसे उस विषय पर भी बात करना चाहूंगा जो आपका बहुत फेवरेट विषय रहा है, और ये विषय है रोजगार। मुझे बताया गया है कि नेटवर्क 18 में साल 2014 के बाद से एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली है। राहुल जी, जानकारी सही है? नहीं बोलेंगे? खैर, हैरान मत होइए, मैं जवाब का सवाल बताने की कोशिश आपके साथियों को कर रहा था। संभव है कि बिना नौकरी को सृजित किए, बिना रोजगार को सृजित किए ये हो जाएगा? जरा सोचिए, जब देश में पहले की तुलना में कई गुना रफ्तार से सड़कें बनाने का काम चल रहा है, रेल मार्गों के विस्तार का काम हो रहा है, गरीबों के लिए लाखों मकान बनाने से लेकर नए पुल, नए बांध, नए हवाई अड्डे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के दूसरे प्रोजेक्ट पर रिकॉर्ड कार्य हो रहा है, पर्यटन के क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है, तो क्या यह संभव है कि इन सारी गतिविधियों से रोजगार पैदा नहीं हुए हो? आपने अपने आसपास के माहौल में डॉक्टर, सड़क पर दौड़ने वाली गाड़ियां इसकी भी एक नई तस्वीर दिखाती है। कोई मुझे बता रहा था कि आपके फिल्म सिटी नोएडा में रह पहले जहां आधी से अधिक जगह खाली रह जाती थी, अब वहां गाड़ियों की पार्किंग की जगह भी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि पिछले 5 वर्षों में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जबरदस्त बूम आया है। कॉमर्शियल वाहनों की ही बात करें तो पिछले साल ही भारत में लगभग 7.5 लाख गाड़ियां बिकी है। क्या यह मुमकिन है कि नौकरियों के बिना इतनी कॉमर्शियल गाड़ियां बिक रही है? अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को ही लीजिए। मैंने मीडिया में ही इससे जुड़ी एक से बढ़कर एक प्रेरित करने वाली कहानियां देखी है। इसमें से कई लाभार्थियों से तो मैं खुद मिला हूं, उनकी सफलता की कहानियां मैं खुद जानने का प्रयास किया है, किस प्रकार उन्होंने लोन लेकर अपना रोजगार शुरू किया और आज दर्जनों को रोजगार दे रहे हैं। साथियों, इस योजना के तहत 15 करोड़ से अधिक उद्यमियों को 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दिया गया है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इनमें से 4 करोड़ से ज्यादा युवा उद्यमी ऐसे हैं जिन्होंने अपने बिजनेस के लिए पहली बार लोन लिया है। 4 करोड़ लोग। क्या यह संभव है कि इतनी बड़ी संख्या में छोटे उद्यमियों को लोन दिया गया हो और उससे लोगों को रोजगार नहीं मिला हो?
साथियों, रोजगार को लेकर सरकार को ईपीएफओ से भी एक व्यापक जानकारी मिलती है। जहां तक ईपीएफओ की बात है तो करोड़ों लोगों का पैसा कट रहा है, अंशदान जमा हो रहा है, तब जाकर के ये आंकड़े आते हैं। ऐसा नहीं है कि हजार दस हजार लोगों का सर्वे करके आंकड़े बताए जा रहे हैं। सितंबर 2017 से नवंबर 2018 के बीच हर महीने लगभग 5 लाख सब्सक्राइबर्स ईपीएफओ से जुड़े हैं। इसी प्रकार एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी ईएसआईसी से हर महीने करीब 10 से 11 लाख सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं। अगर हम इसे ईपीएफओ के आंकड़े से 50% ओवरलैप भी माने तो भी फॉर्मल वर्कफोर्स में हर महीने लगभग 10 लाख लोग शामिल हुए हैं, यानी 1 करोड़ 20 लाख नौकरियां प्रति वर्ष। साथियों, बीते 4 वर्षों में विदेशी पर्यटकों की संख्या में करीब 45% की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा की कमाई भी बीते 4 वर्षों में 50% बढ़ गई है। इतना ही नहीं, भारत के एविएशन सेक्टर में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष 10 करोड़ से अधिक लोगों ने हवाई सफर किया है। क्या इन सब से रोजगार के अवसर सृजित नहीं हुए हैं क्या? इन आंकड़ों से यह साफ पता चलता है कि देश में हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और लोगों को रोजी रोटी मिली है। हो सकता है कि कईयों को मोदी की बात न मानना तय करके बैठे हो, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये भी तो याद रखिए कि पश्चिम बंगाल सरकार कह रही है कि पिछले साल उसने 9 लाख नौकरियां सृजित की है और 2012 से 2016 तक 1 लाख नौकरियां दी है। ये पश्चिम बंगाल सरकार की बात है। आपको मोदी पसंद नहीं है, उनका तो मानो, वो भी तो हिंदुस्तान में ही है। कर्नाटक सरकार, हो सकता है जो मुझे अब नफरत करते उनको प्यार करते हो, कर्नाटक सरकार कहती है कि पिछले 5 साल में 53 लाख नौकरियां दी है। क्या यह संभव है कि पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में नौकरियों के अवसर बन रहे हैं लेकिन भारत में नहीं बन रहे हैं? मुझे मालूम है पत्रकार बंधु किसी को पूछेंगे नहीं। साथियों, रोजगार को लेकर मैं मानता हूं कि अभी भी देश में काफी कुछ करना है। हम ऐसा नहीं कहते सब कुछ हो गया है, हम ऐसी सोच वाले व्यक्ति नहीं है। अगर ऐसा सोच होती तो इतना दौड़ते क्यों? हम भी मौज कर लेते यार, प्रधानमंत्री बन गए, क्या है मौज करो, क्या कर रहा है। हम दौड़ इसलिए रहे हैं कि सब कुछ हो गया है ऐसा मानने वाले हम नहीं है और सब कुछ करने के लिए जी जान से जुटे रहेंगे, इस संकल्प के साथ लगे हुए हैं। ये बात सही है, बहुत कुछ करना है, लेकिन जिस दिशा में और जिस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जॉब्स को लेकर भी भारत पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर के उभरेगा।